सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं भाजपा नेता अनिल शर्मा का कहना है कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत होगी और प्रदेश की जनता केंद्र सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाएगी। ये बात उन्होंने मंडी शहर में सदर मंडल भाजपा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद कही। अनिल शर्मा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब फैसला जनता को करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश को जो सौगातें दी हैं उसे प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। अनिल शर्मा ने कहा कि ये प्रदेश का सौभाग्य होगा कि यहाँ केंद्र के सहयोग वाली सरकार का गठन हो और प्रदेश और ज्यादा विकास की राह पर आगे चले। उन्होंने कहा कि जनता केंद्र सरकार के विकास पर अपनी मोहर लगाने वाली है। अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी शहर में जो चुनावी कार्यालय खोला गया है उसके माध्यम से पार्टी की सारी गतिविधियों का संचालन होगा। उन्होंने प्रसन्नता जताई है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने पर उनका सभी भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने स्वागत किया है और सभी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। अनिल शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि भविष्य में सदर विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। कोई भी पार्टी जो है अपने अच्छे उम्मीदवारों को आगे लाती है, हमेशा प्रयास होता है कि पार्टी की जो है जीत सुनिश्चित हो। उसके लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार अपने किए हैं वहां कांग्रेस ने भी किए हैं। फैसला जनता को करना होता है। फैसला जनता जो है मोदी सरकार जी जो केंद्र में हमारी सरकार है उनके जो 3 साल के कार्यक्रम है जो जनता के बीच में है और खासकर हिमाचल के लिए दिल खोल कर जो है मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने जो यहां के लिए कार्यक्रम रखे हैं उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित होगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यालय है मंडी में शहर के अंदर और चुनाव क्षेत्र का मैं सदर चुनाव क्षेत्र कह सकता हूं इसका आज हमने शुभारंभ कर दिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल से मुझे स्वीकार किया है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग सभी कार्यकर्ता का उत्साह आज जो है देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि इस चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेंगे और मुझे इस बात का भी आभार प्रकट करना है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कई वर्षों से इस पार्टी को सींचने में जो है अपना सहयोग करते रहे हैं उनका आदर सम्मान बना रहे और उनके लिए जो है मैंने हमेशा प्रयास करूंगा कि मिलजुल कर हम जो है इस विधानसभा क्षेत्र की जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।